तो एक बार फिर से तैयार हूँ मैं अपने पैक बैग के साथ एक नई खूबसूरत सी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्वागत है आप सबका एक नई जर्नी में मेरे साथ, और ये नई एयरलाइन जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस की है गल्फ एयर की, जो कि मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी वो मैं आपको बताऊँगी क्यों। एक्चुअली इन्होंने कुछ भी, ये इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं बट फिर भी इन्होंने कुछ वेज ऑप्शन नहीं रखा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं, इन्हें सोचना चाहिए। और ये मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि अभी बहरीन जाएगी, और बहरीन में 1 घंटे 20 मिनट का ले ओवर है, और फिर से मैं उड़ान भरूँगी अपनी कंट्री के लिए जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो ये कंट्री एक वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है, और ये रहा बहरीन का खूबसूरत सा एयरपोर्ट। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगी इस जर्नी के बारे में कि कैसा रहा एक्सपीरियंस मेरा मुंबई के एयरपोर्ट पे, ना कि यहाँ बहरीन के एयरपोर्ट पे। तो जब उन्होंने मेरी टिकट देखी, उन्हें पता ही नहीं था कि मैं कौन सी सिटी जा रही हूँ, कौन सी कंट्री जा रही हूँ। जब मैंने उन्हें सिटी बताई तो वो मुझसे कंट्री पूछ रहे हैं, जब मैंने कंट्री बताई तो वो नेबर कंट्री पूछ रहे हैं। और ये रही मेरी सेकंड फ्लाइट, तो जो कि सेम है गल्फ एयर, और वापस से इन्होंने खाना सर्व किया, और वापस से इन्होंने नॉनवेज ऑप्शन ही थे इनके पास, तो मैंने ले तो लिया बट वो मैंने उसमें से कुछ बिस्किट्स वगैरह लेके अपने बैग में रख लिया, क्योंकि मुझे ये आगे मेरी कंट्री में, डेस्टिनेशन वाली कंट्री में काम आएगा। और ये देखो आप, टर्बुलेंस, गंदी वाली टर्बुलेंस हुई, मतलब मैं अच्छा भला सो रही थी और मेरी नींद ख़राब हो गई इस टर्बुलेंस की वजह से। अगर इस फ्लाइट की बात करूँ तो मुझे इंडिगो से कुछ खास डिफरेंट नहीं लगी, बस थोड़ी सी क्लीनिंग और हाइजीन ज़्यादा है। Between us, it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. Some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you. तो सारे 4 घंटे के लंबे सफर के बाद और खतरनाक टर्बुलेंस के बाद, 2 फ्लाइट चेंज करने के बाद और बिना खाना खाने के बाद, मैं पहुंच चुकी हूँ मेरी डेस्टिनेशन कंट्री पे। वेलकम टू जॉर्डन, मेरे साथ आप सबका स्वागत है। तो अभी यहाँ का टेम्परेचर कुछ 22 डिग्री है। मैंने अब तक जितनी भी ट्रैवल करी है, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खाली और शांत एयरपोर्ट मैंने देखा है जॉर्डन एयरपोर्ट पे। और मैं जॉर्डन कैसे आई, मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, वीज़ा कैसे मिला, और यहाँ पे इमिग्रेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा इंडियंस के लिए, वो सारी बातें मैं अभी आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो, एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ घुमा नहीं रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मुंबई। तो मैंने टिकट बुक करी थी गल्फ एयर की वाया बहरीन। मुंबई से बहरीन कुछ 2 घंटे की फ़्लाइट थी, और बहरीन से जॉर्डन कुछ 2 घंटे की, और बीच में 1 घंटे 20 मिनट का लेओवर था जो कि बहुत स्मूथ था। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, आपने फुटेज देखी ही है, राइट। तो फिर यहाँ पहुँचने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि अगर आपने यहाँ आने के लिए, आपको पहला पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल है, या फिर आप जॉर्डन पास ले सकते हो। अगर आप जॉर्डन पास लेते हो तो उसमें आपका वीज़ा के साथ साथ यहाँ की साइट सीन्स भी इंक्लूडेड होगी। अगर आप सिर्फ वीज़ा लेते हो तो वो कॉस्ट आपको कुछ 40 दिनार का आएगा, जो कि 4,500 रुपये अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे। बट अगर आप जॉर्डन पास लेते हो तो उसमें वीज़ा फीस भी इंक्लूडेड होगा, और सारे साइट सीन्स, जिनकी पेट्रा की अगर एंट्री की बात करें जो कि 7 वॉन्डर्स में से एक है,
तो उसकी एंट्री कुछ 4 से 5 हज़ार है। उसके बाद वादी राम की एंट्री की अगर बात करें तो कुछ वहाँ की भी एंट्री कुछ होगी। तो बेटर है कि आप अगर आते हो जॉर्डन, यही रिकमेंड करूँगी कि आप जॉर्डन पास ले लो, क्योंकि हेजल फ्री एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास जॉर्डन पास नहीं होगा और आप यहाँ पे आके लोगे वीज़ा प्लस पास, तो आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा और बहुत सारी टफ़ इंक्वायरीज़ होगी। मतलब आपको 1-2 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए, 1-2 घंटे तो वो सारे ऑफिसर्स मिलके ख़राब कर ही देंगे। मेरे पास पास होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे 2 बार जाके अलग अलग कमरे में लेके गए, फिर मेरे पासपोर्ट पे एक एक स्टैम्प को उन्होंने देखा। जो स्टैम्प्स उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे उसका उन्होंने मुझसे पूछा, ये किस कंट्री की है, इस किस कंट्री की है, तुम हर जगह अकेले जाती हो, क्यों जाती हो, ब्ला ब्ला, मतलब ऐसे ही कॉमन क्वेश्चंस, रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग। तो फिर भी इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ, अगर मैं बोलूँ तो 15 मिनट उन्होंने मेरी इंक्वायरी की होगी और दोबारा से फिर से इंक्वायरी की, जो कि 5 से 10 मिनट के लिए होगी। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग जॉर्डन पास, तो एंट्री बहुत स्मूथ होगी। और एयरपोर्ट की बात करूँ तो काफ़ी छोटा है, एकदम खाली है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1 घंटे में भी 1 फ्लाइट नहीं आती होगी पता नहीं, मुझे पता नहीं है, बट एयरपोर्ट भी एकदम खाली, रनवे भी एकदम खाली। इमिग्रेशन में अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ 3 ऑफिसर्स बैठे थे, आप खुद सोच सकते हो 3 ऑफिसर्स। मुंबई में, दिल्ली में पता नहीं कितने ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद भी कितनी लंबी लाइन होती है। तो अब यहाँ से मुझे मेरे होटल जाने के लिए मैंने सोचा, मेरे पास यहाँ की लोकल करेंसी नहीं है, मैंने डॉलर कैरी किया हुआ है और कार्ड्स हैं। तो कार्ड मैंने अभी मेरा नियो एक्स देखा एटीएम में डाल के, तो चार्जेस सुन के आप हैरान हो जाओगे, 800 रुपीज़ चार्जेस हैं। और मैंने करेंसी एक्सचेंज के लिए भी बात किया तो वो भी कुछ 950 रुपीज़ ले रहे हैं। अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट करेंगे। वैसे तो जॉर्डन बहुत महंगा लग रहा है मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन में, आगे पता नहीं, आगे भी होगा, क्योंकि जितनी मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में नॉलेज इकट्ठी करी है, जॉर्डन इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज। हाँ, और फिर आपको मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करती रहूँगी। और अगर टिकट्स की बात करूँ तो मुझे मुंबई टू जॉर्डन की टिकट आई है गल्फ एयर की कुछ 25,000 में, और यहाँ से रिटर्न टिकट आप अगर पहले बुक करते हो तो आपको सस्ती भी आ सकती है। कार्ड डाला है और देखते हैं ये कितना चार्ज करता है। इंग्लिश पिन तो नहीं दिखा सकती आपको, बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहा है, क्योंकि मैं एक बार तो देख के गई थी 100 JD। सी ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 750-800 रुपये बनते हैं, कोई चारा नहीं है, एयरपोर्ट पे हूँ, बाहर जाना है, करना ही पड़ेगा। मेरा कार्ड चलेगा या नहीं मुझे ये भी पता नहीं है। डू नॉट ऑनर, प्लीज टेक योर कार्ड, योर ट्रांजेक्शन कैन नॉट कम्प्लीट। मेरा न्यू ग्लोबल कार्ड शायद बंद हो चुका है। शिट, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे एक करेंसी एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। मैं एयरपोर्ट से जस्ट बाहर निकल के आई और मैंने सोचा यहाँ पे भी एक बार रेट कंफर्म कर लूँ, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर कुछ मुझे 900 पे करने पड़ रहे थे एक्स्ट्रा, 100 USD चेंज करवाने के लिए। और यहाँ पे मुझे लकीली सेम गूगल रेट मिला है। गूगल रेट पे मैंने चेक किया आज का, ये देखो आप, ये कुछ 70 JD हैं जो कि 100 USD का एक्सचेंज है। तो मैं अंदर से निकल गई और मैंने अंदर करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाया, फिर मैंने सोचा कहाँ करवाऊँगी, पता नहीं रेट कैसे मिलेंगे। तो ये मेरे पीछे आप देखो जॉर्डन बैंक, ये भी जस्ट एयरपोर्ट से आप एयरपोर्ट से आप बाहर निकलोगे तो जस्ट राइट हैंड साइड में ही है। और इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेट दिया, 100 USD का इन्होंने मुझे 70 JD दिया। मैंने गूगल पे चेक किया तो 71 JD था, अंदर मुझे कुछ 61 दे रहे थे, अप्रॉक्सीमेटली 950 रुपये चार्ज रख रहे थे। वाओ, कभी कभी रिस्क उठाने से फ़ायदा भी हो जाता है। अभी मैं जस्ट एयरपोर्ट के बाहर हूँ और मैं अभी बस देख रही हूँ, सामने मुझे कुछ बसेस तो दिख रही है,
शायद वही अगर एयरपोर्ट जा रही हो तो, एक तो मेरा ट्राईपॉड खो दिया मैंने और मैं अभी हाथ से ब्लॉक कर रही हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। मेरा होटल और पहुंच गई हूँ मैं, अभी कुछ 3:30 हो रहे हैं और बस से उतरने के बाद वापस मैंने टैक्सी ली और जिसे मैंने 5 JD पे किया, वो भी सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए। तो आप सोच लो 5 किलोमीटर 5 JD अप्रॉक्सीमेटली 650 रुपये। एक्चुअली ये मैंने हॉस्टल में बुकिंग की है एक दिन के लिए, तो यहाँ पे कुछ मैंने पे किया है 1100 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अगर मैं फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करूँ जॉर्डन की, तो मुझे जॉर्डन एक, अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो भी हैं अगर उसके कलर को छोड़ दूँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत तो नहीं लगा जॉर्डन। मतलब अच्छा है, साइलेंट है कंपैरेटिवली बाकी की जितनी भी कंट्रीज होती हैं, बट अगर जॉर्डन की बात करें तो ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है मुझे इंडिया से। और ये बिल्कुल भी प्लेन नहीं है, ये काफ़ी हिली है, ऊपर नीचे zigzag। पता नहीं इतना महंगा क्यों है, इवन कि दुबई से ज़्यादा महंगा है और बिल्कुल भी दुबई जैसा नहीं दिख रहा ये। मतलब तो अब आपको मैं मेरे हॉस्टल की शेयर करवाती हूँ। तो यहाँ पे ये वॉशरूम होटल सॉरी मेरे रूम के अंदर है और ये कुछ 5 बेड वाला रूम है जो कि पूरे तरीके से खाली है। सिर्फ सामने के बेड पे एक आंटी लेटी है जो कि बुदापेस्ट से हैं और वो भी मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं, और उनसे बात करके वाकई में मुझे बहुत मज़ा आई और वो मुझसे इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पूछ रही थी इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड। वैसे तो मुझे हॉस्टल में रहना कम पसंद है, बट इस हॉस्टल को देख के ऐसा लग रहा है मज़ा आएगी। तो मैं अभी बहुत ख़ास किसी के साथ में हूँ, मैं जहाँ अभी होटल में रुकी हुई हूँ हॉस्टल में, वहाँ पे मुझे ये आंटी मिली जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, और ये भी मेरी तरह सोलो ट्रैवलिंग कर रही हैं। आज इनका लास्ट डे है, ये जब से यहाँ पे आई थी इन्होंने कार हायर किया था और ये कार से ही सारा घूम रही थी। इन्होंने बोला काश तुम पहले आती तो तुम्हें भी कंपनी मिल जाती, मुझे भी मिल जाती, लेकिन आज इनका लास्ट डे है और सुबह अर्ली मॉर्निंग इनकी फ्लाइट है। एंड शी इज़ फ्रॉम हंगरी बुदापेस्ट। मेरे पुराने सारे याद आ गए मुझे, बट बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एंड शी इज़ 52 ईयर्स ओल्ड और वो अकेले घूमती हैं मेरी तरह। ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इस एज में भी अपनी ये जो मैंने आज अपनी जर्नी स्टार्ट की है ये मैं इसे कंटिन्यू रखूँ टिल द लास्ट ब्रीथ एक्चुअली। तो अभी हम थोड़ा सिटी में आसपास में थोड़ा घूमेंगे और ये मुझे बता रही थी कुछ जगह बहुत सस्ती सस्ती जहाँ पे इन्होंने बताया हाफ हाफ दिनार में फलाफल और पेट भर के खाना मिल जाता है, तो देखेंगे। फिलहाल इन्होंने मुझे ये बनाना दिया है, ये खाते हुए जाऊंगी। तो ये हम लोग अभी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पे हैं जिसका नाम कुछ सेटा। ये सारे अगर बिल्डिंग्स की बात करें तो ये काफ़ी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्योंकि ये सारे सेम कलर में हैं तो ये एक अलग सा ही नज़ारा है। मतलब एक फील आ रही है कि लाइक गल्फ कंट्री में तो हैं लेकिन दुबई से हटके फीलिंग है और आबू धाबी वगैरह से हटके फीलिंग है, वो चकाचौंध नहीं है बट ये काफ़ी ग्राउंड टच बोल सकते हैं इसे। ये देखो आप, और ये काफ़ी हिली है
और शाम होते ही यहाँ का वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, मुझे काफ़ी अभी ठंड लग रही है। मैंने सोचा वो अंदर जाऊँ, ये कोई नाम है जो कि मेरे पास में भी इंक्लूड है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ 6-7 बज गए हैं तो वो बंद हो चुका है, तो कल मैं वापस आऊँगी और वहाँ जाऊँगी। जॉर्डन की सड़कें तो मुझे दुबई की याद दिला रही है, मतलब आप देखो ऐसी प्लेन सड़कें आपको दुबई में भी दिखेंगी, और ये लाइटिंग। और पहले मुझे जॉर्डन, सच बताऊँ तो पहली नज़र में मुझे खास पसंद नहीं आया, बट जैसे जैसे मैं अंदर साइट सीन कर रही हूँ मेरी रिव्यूज़ बदल रही है जॉर्डन के लिए। और पूरे रास्ते मैं इस आंटी से इतने सारे सवाल कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस आंटी को पका दिया, और मैं इनसे ये भी पूछ रही थी कि आप इतनी फ्रीली यहाँ पे ड्राइव कैसे कर पा रही हो, आप तो यूरोप से हो, वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे भी लेफ्ट साइड है, मुझे पहले लगा कि ये राइट साइड में, बट राइट साइड में तो यूके में ड्राइविंग होती है। और ये देखो आप, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जॉर्डन में ऐसा भी कुछ दिखेगा, मतलब इस टाइप की कंस्ट्रक्शन और ऐसे हाई राइज टाइप टावर्स, लेकिन ये सारे एम्प्टी पर है क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे फेस्टिवल है। अभी 8 बज रहे हैं और 7 बजे से यहाँ पे सारे शॉप्स क्लोज हो चुके हैं और ये सारे खुलने वाले हैं रात के 10 बजे। तो मेरे साथ में ये जो आंटी थी उन्हें बहुत भूख लगी थी और वो कब से बोल रही थी कि फलाफल खाएंगे फलाफल खाएंगे, लेकिन सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे। ये सारे शॉप्स वापस से खुलेंगे 10 बजे और तब तक ये ऐसे ही वीरान रहेगा। मतलब अभी हम लोग ने कम से कम 10 किलोमीटर तक घुमा होगा और सारे रोड इतने ही खाली, कोई नहीं दिख रहा, मतलब कर्फ्यू वाली फीलिंग आ रही है। और ये अभी 1 महीने तक रहेगा जब तक रमज़ान रहेगा।